बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो में हम बनाने लगे हैं मिक्स पकौड़े और मीठे पकौड़े। मिक्स पकौड़े बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। पालक, प्याज, आलू, हरी मिर्चें और हरा धनिया, इन सब चीज़ों को अब हम तैयार करके दिखाते हैं। चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। आलू, पालक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, बेसन, पाउडर मसालों में जो हमने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, अजवाइन हाफ टी स्पून, ज़ीरा हाफ टी स्पून, सूखा धनिया हाफ टी स्पून, कसूरी मेथी हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून और सुरख मिर्च एक टी स्पून। ये थी हमारी मिक्स पकौड़ों की चीज़ें। अब मैं आपको दिखाती हूँ मीठे पकौड़ों की चीज़ें। मीठे पकौड़े बनाने के लिए जो हमने चीज़ें ली हैं वो है चीनी, नमक, दूध और गंदम का आटा। अब हम इन सब चीज़ों को बनाना शुरू करते हैं। मीठे पकौड़े हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम डालेंगे आटा, चीनी। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। नमक, नमक भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब डालेंगे दूध, इन सब चीज़ों को दूध के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी हो गया है, ये इस तरह का होना चाहिए। ठीक है जी, ये एक चीज़ तैयार हो गई है। अब हम मिक्स पकौड़े तैयार करते हैं। ऐसे अब हम मिक्स पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। पहले हम डालेंगे पालक जो हमने ब्रीक ब्रीक काट ली थी, फिर हम डालेंगे आलू, फिर हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्च डाल देंगे, हरा धनिया, बेसन डालेंगे, पाउडर मसाले डाल देंगे, ये सारे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो गया। अगर आपको बेसन कम लगे तो आप बेसन डाल सकते हैं, और इस स्टेज पे आके आप मसाले भी चेक करके डाल सकते हैं। अगर आपको कम लग रहे हैं तो डाल सकते हैं। इसको आप 10 मिनट के लिए पड़ा रहने दें ताकि ये सेट हो जाए। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। दोनों चीज़ें हमारी माशाल्लाह से तैयार हैं, ये मीठे पकौड़े और ये मिक्स पकौड़े। 10 मिनट के लिए दोनों को पड़ा रहने देंगे, फिर हम पकाना शुरू करेंगे।
10 मिनट हो गए हैं बैटर को, अब हम बनाना शुरू करते हैं पकौड़े। पकौड़े हमने डाल दिए हैं, थोड़ी देर बाद इसकी हम साइड चेंज करेंगे। इसकी साइड हमने चेंज कर दी है, इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए अच्छी तरह से। इधर हमारे पकौड़े तैयार हो रहे हैं, दूसरी साइड पे मामा चाय तैयार कर रही हैं। ठंडे ठंडे मौसम में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पकौड़े जब निकालने हों तो फ्लेम को तेज़ कर लें, फिर ऑयल जल्दी से निकल जाता है पकौड़ों में से। खुशबू मशाला से बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसी तरह से सारे पकोड़े निकाल लेंगे। नमकीन पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम मीठे पकोड़े तैयार कर लेंगे। मीठे पकोड़ों को हम लो फ्लेम पे पकाएंगे और छोटे छोटे डालेंगे, गोल्डन होने तक पकाएंगे इसको। मीठे पकौड़े हमने डाल दिए हैं, मीठे पकौड़े हमारे अब रेडी हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर आया और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। चाय पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। पकौड़ों के साथ हमने रायता बनाया है। और ये साथ में रहता ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।